नमस्ते हेल्थ के शौकीनों, आज मैं आपको सेहतमंद रहने और बीमारियों से बचने के लिए कुछ खास टिप्स बताने वाली हूँ। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खान पान की। आप क्या खाते हैं वो आपकी पूरी सेहत पर बहुत असर डालता है। अपने खाने में ढेर सारे फल और सब्जियां शामिल करें। इनमें बहुत सारे जरूरी विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए चाहिए। साथ ही लीन प्रोटीन और साबुत अनाज भी खाने में शामिल करना न भूलें। ये आपको दिन भर पेट भरा हुआ और ऊर्जावान महसूस कराएंगे। अब बात करते हैं पानी पीने की। पानी आपके शरीर के हर काम के लिए बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें। अगर आप एक्टिव रहते हैं या गर्म जगह पर रहते हैं तो आपको इससे भी ज्यादा पानी की जरूरत हो सकती है। अपने शरीर की सुने, वो आपको खुद बता देगा कि आपको कब ज्यादा पानी चाहिए। चलिए अब एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना सेहत के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। ये आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है, लंबी बीमारियों का खतरा कम करती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे तेज चलना, तैरना या फिर डांस करना भी। कुछ ऐसा ढूंढें जो आपको पसंद आए और उसे करते रहें। अच्छी नींद भी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आपके शरीर को आराम करने और खुद को ठीक करने के लिए समय चाहिए। हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। सोने से पहले एक रूटीन बनाएं जो आपको शांत होने और सोने के लिए तैयार होने में मदद करे। इसमें पढ़ना, गर्म पानी से नहाना या फिर गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें शामिल हो सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को भी नहीं भूलना चाहिए। तनाव को मैनेज करना सेहतमंद रहने के लिए बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें और उन कामों के लिए समय निकालें जिनमें आपको मजा आता है। अपने आसपास सपोर्टिव दोस्तों और परिवार को रखें। याद रखें, अगर जरूरत हो तो मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। आखिर में अपने डॉक्टर से नियमित चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। इससे बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ने में मदद मिल सकती है और आपको सही सलाह मिल सकती है। डॉक्टर के पास तब तक न जाएं जब तक आप बीमार नहीं पड़ जाते। इलाज से बचाव हमेशा बेहतर होता है। आज के लिए बस इतना ही। इन आसान टिप्स को अपनाकर आप अपनी सेहत की जिम्मेदारी उठा सकते हैं और बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। सेहतमंद रहें और खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।